ये क्या है? ये पैलेस है मल्टीवर्स के रूल। ना हिलना वरना पछताओगे। यस सर, सॉरी। नाइन्थ यूनिवर्स के जेंटलमैन कहाँ? खुशी है कि आप लोग पहुंच गए। अब मैं धरती के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जैसे होता है वैसे ही रिंग और ऑडियंस के लिए सिटिंग एरिया तैयार। डर लग रहा है। यो, हे चांपा, कैसा चल रहा है? मैं चाहता हूँ कि सब लोग खामोश रहें। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। फ्यूचर से हैं। टाइमलाइन के अलग होने की वजह से फ्यूचर के ग्रैंड्स इन्होंने कभी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट नहीं देखा। सम्मान की बात है। हे सही, ये मैं हूँ। फाइट के रिहर्सल के लिए इतना अच्छा मौका देने के लिए थैंक्स। वो हमें खत्म कर देंगे, मैंने कहा था ना। तो आप क्या कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। ग्रेट, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो सयन? बिल्कुल। वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने टूर्नामेंट का इंतजाम किया। बताऊं, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू गोकू। तो आयर्स और नाइन्थ यूनिवर्स के तीन फाइटर्स होंगे इस कॉन्टेस्ट में। टाइमलाइन नहीं है ये, मैं करने की पूरी छूट है। एक सवाल है ग्रैंड मिनिस्टर, जीतने वाले यूनिवर्स को सुपर दिखा सके। इसमें यूनिवर्सेस को जज नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई इनाम नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं कि अगर वो बोर हो गए और उन्हें हमारे फाइटर्स अच्छे नहीं लगे तो वो हमारे फाइटर्स को खत्म कर देंगे। तो अब चलिए एक्सपो को शुरू करते हैं। हमारे पहले दो कंटेस्टेंट्स रिंग में दिखा दो उन्हें। नाइन्थ यूनिवर्स को तुम पर यकीन ही नहीं, गर्व भी है। अब हम उन्हें कम नहीं आते। ये सो गया यार। खाली दिमाग। जरा ये देखो, मैंने इसे तुम्हारे लिए बचा के रखा था। ये स्पेशल चॉकलेट है। तुम स्ट्रांग हो, पता है? वो भी स्ट्रांग है। एक अच्छे बू की तरह उसके साथ खेलो और फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं ओपनिंग मैच। तुम कितने कमजोर हो मोटे लड़के, तुम्हारे साथ लड़ना आसान है, मुझे तो पसीना तक नहीं आया। उसे कहो हार मान ले, वो बेसिल के सामने कभी नहीं टिक सकता। हमारे ट्रियो तुम सबको खत्म कर देंगे। ऐसे वक्त में इतना फनी क्या हो सकता है। खैर, ये तो वैसे भी हार ही रहा है। इसे बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आया। ये फिर से बू के साथ करो। क्या हुआ, बू के साथ नहीं खेलना है? मुझसे दूर रहो। मैं फनी नहीं हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं। पिंकी, मैं अब जो करने जा रहा हूँ उसके लिए बुरा मत मानना। तुम्हारे टीममेट ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा तो बाद में उसे दोष देना अगर जिंदा बच गए तो। हाँ?
शाइनिंग ब्लास्ट ऑफ अटैक को सब लोग इधर देखो, वो को मजा आया। चलो फिर से करते हैं। ये क्या है? बहुत बुरा हुआ। तो मेरे शाइनिंग ब्लास्टर से कैसे बच गए? किंग्स ग्रैंड जिनो इस मैच से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं, तो अब उनके ऑर्डर से एक्सपो का पहला मैच यहीं खत्म होता है। आराम करता हूँ। जबकि मुझे इसकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो मुझे आगे बढ़ो और उस पर अटैक करो। एडवाइस देने के लिए थैंक्स डैड। फुल पावर के साथ अटैक करता हूँ।
तो अब दूसरा मैच शुरू कर दो। फाइट की शुरुआत में ही इसने उसे अंधा कर दिया। हाँ? कैसा लग रहा है अब? देखो ट्री ऑफ डेंजर के तीसरे भाई लेवेंडर को और उसके जहरीले मुक्के को। जहर की वजह से हुआ? ये बहुत घटिया और गंदी चाल है। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जब आप रिंग में हो, जहर का स्वाद कैसा लगा लड़के? पता है अगर तुम्हारे अंदर ये ज्यादा चला गया तो तुम्हारी बॉडी सेट। ये लो गोहान सेंसुबीन लो, पिछले फाइटर ने भी पावर बढ़ा। आप लोग मैं देखना चाहता हूँ ये जहर को कब तक झेल सकता है। जहर, बेटे की बॉडी वहाँ बर्बाद हो रही है। ये अच्छे के लिए ही है, वो दुश्मन को देखकर उसकी एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा। मेरा जहर तुम्हारी बॉडी पर धीरे धीरे असर करना शुरू कर देगा और तुम्हारी एक एक बॉडी, उसकी चाल, उसका प्रेजेंस मुझे अपने शरीर से महसूस करना होगा। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? नहीं हो सकता। डरिए मत सर, मैं समझ गया हूँ कि गैस होता है। तुम चाल चलने से पहले मुझे पता हो जाता है क्या करने वाले हो। क्या करते हैं? अब तो मुझे उसका फुटवर्क भी महसूस नहीं हो रहा। कहाँ है वो? वो ये तो वो किसका सामना कर रहा है? इसमें बहुत मजा आने वाला है। मेरा अभी पूरा ये क्या कर दिया? ये क्या है? इसे ही सुपर सैयन कहते हैं। कितना सुंदर है वो, कितना शाइनी। देख लो किस्मत अच्छी है लड़के, और कुछ नहीं। बताती है तुम कहाँ हो और क्या करने वाले हो। बहुत अच्छे गोहान, तुम सैन की एक अलग और क्रिएटिव एबिलिटीज का यूज करना कह सकते हैं। कभी कभी तो आखिर में ये दोधारी तलवार भी। लिमिट तक धकेलने की कोशिश में उसके पावर को बढ़ा दिया है। हाँ, और इस तरह उसका जहर और भी के जहर को अपनी बॉडी में और भी तेजी से जाने का मौका दे दिया है। और तेजी से बढ़ता जाएगा। जल्दबाजी में मैं जीत गया। अब जैसे कि कोई भी कंटेस्टेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है तो इस मैच को रोक दिया जाता है। मैं उसे हरा दूंगा, मैं ये बार बार खुद से कहता रहा।
और फिर भी मैं नहीं, मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, और यहाँ उपस्थित ग्रैंड ज़ीनो इस बात से इंप्रेस्ड हैं कि जो फाइट उन्होंने देखी लेवल के। देखिए, ग्रैंड ज़ीनो ने 12 यूनिवर्सिस को इवेल्युएट करके लेवल दिया है और सब 3.18 जो काफी लोअर माना जाता है, यानी कि नीचे से दूसरे लेवल पर। मुझे यकीन है तुम ये बात जानते हो। आप ये नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। तो अब जहाँ तक इस पावर ऑफ टूर्नामेंट की बात है, तो ओमनी किंग ने पहले ही कहा था कि इस कॉस्मोस में बहुत सारे यूनिवर्स, इस टूर्नामेंट में जो यूनिवर्स हार जाएगा उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपो मैच हार गए तो हमारे यूनिवर्स को भी खत्म कर दिया जाएगा? जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल पूछिए, प्लीज बताइए क्या बात है। आप कह रहे हैं मुझे ये बता देना चाहिए कि पहले और बारहवीं यूनिवर्सिस के साथ पांचवें और आठवें यूनिवर्सिस को भी टूर्नामेंट टेस्टिंग। तो आपका कहना ये है कि इस टूर्नामेंट का असली मकसद लोअर लेवल के यूनिवर्सिस को समझा। मुझे असली टूर्नामेंट ऑफ पावर का वेट नहीं हो रहा। ओ हाँ, मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। हम सब लोग हमारे यूनिवर्स के साथ साफ हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए तुम अपनी उंगली भी नहीं हिलाते हो। और आपका क्या, पूरे टाइम सोने के अलावा और आ जाता है तो हम देवताओं के साथ क्या होगा? सीधी बात है, आप लोगों को भी साथ ही खत्म कर दिया जाएगा। और शुरू करते हैं एक्सपो का तीसरा मैच। अफसोस कि ये आखिरी होने वाला है। ऑल राइट, अब मेरी बारी है। तो तुम हो बगामो, सही कहा ना? ये मैच भले ये तय ना करे कि हमारे यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें फुल पावर के साथ लड़ना चाहिए। मैं किसी लो लेवल इंसान से ऑर्डर नहीं लेता। ज़ीनो एक्सपो का तीसरा मैच शुरू होता है। काफी करीबी मामला था। अच्छा लड़ लेते हो। और तुम भी। बहुत गलत है, लेकिन मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। मारो मुझे। जब तुम मुझ पर अटैक करोगे तब पता चलेगा कि नाइन्थ यूनिवर्स मुझे बरगामो द क्रशर क्यों बुलाता है। वो चाहते हैं उस पर अटैक हो। जब गोकू सामने हो तो ये आइडिया बहुत ही बुरा है। अब किसकी राह देख रहे हो? मारो। ठीक है। ये क्या? ये तो बड़ा होता जा रहा है। ये कैसा रहा? और को नहीं, मैं जानता हूं तुम मुझे और मारना चाहते हो। तुम्हारा पावर आसमान से ऊपर पहुंच सकता है। हाँ, तुम बिल्कुल उसी तरह के फाइटर हो जिसके साथ मैं लड़ना चाहता था। तुमने मुझे बड़ा मुक्का मारा, अब मैं भी तुम्हें बड़ा मुक्का।
डिएगो को। अब कहाँ उड़ गया वो? मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने बड़े हो सकते हो। क्या ये सच में हो सकता है? वाओ, वो अमेजिंग है। वो इस लेवल को सुपर सेंट ब्लू कहता है। अभी इतना ही नहीं, मैं इस पावर लेवल को कई गुना बढ़ा सकता हूँ। यूनिवर्स को ये पावर कैसे मिल सकती है? तुम आखिर हो क्या? फैसला हो चुका है। ज़िनो एक्सपो फाइनल मैच का विनर है सबसे पावरफुल सेवेंथ यूनिवर्स। मैं बता दूं सर, मैं इलेवेंथ यूनिवर्स के एलीट फाइटर यूनिट का लीडर हूं, जिसमें बहादुर, ताकतवर और प्राउड फाइटर्स हैं। मैं आजादी का फाइटर हूँ। मैं हूँ टॉम। मेरे साथ फाइट करो गोकू, अभी इसी वक्त। एक पॉइंट। तो मैं बुरा हूँ है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप हीरो हैं? बहुत हो गई बकवास। तो आप चाहते हैं कि हमारे मुक्के आपस में बात करें, क्यों टॉम? बिल्कुल सही, और मेरे मुक्के से बात खत्म होगी। कोशिश करके देख लो। आप जैसे भी चाहे फाइट कर सकते हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऑल राइट, तो चलो शुरू करते हैं। खुद को मजबूत कर लो विलन। जस्टिस माउंट, जस्टिस टोर्नेडो। Justice Crusher. All right, top, अब मेरी बारी है। बुराई कभी न्याय को नहीं हरा सकती, अब तुम नहीं बच सकते। और इसके साथ ही गोकू, बुराई का अंत होता है। चलो उसे खत्म कर दो।
तो तुम और दर्द सहना चाहते हो? मैंने कहा था ना टेंशन मत लो। न्याय जरूर होगा। अब तक कॉस्मोस नहीं देखा होगा, मैं वैसा भयानक न्याय करूंगा। हाँ बिल्कुल, अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कीजिए और फिर मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा तूफान है। बस बहुत हुआ। अगर हमने उन्हें इसी तरह लड़ने दिया तो दोनों में से एक मर सकता है और इससे इस टूर्नामेंट का मतलब और मजा दोनों ही खराब हो जाएगा। इन्हें यही रोक देना चाहिए। योर मैजेस्टीज और इनकी आगे की लड़ाई को रॉयल बना देते हैं।